हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे दो बेसिक वीडियोस हैं उसको आपने अच्छे से देख लिया होगा और उसमें दिए गए फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं क्लास टेंथ के एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस को। तो पहले एक्सरसाइज से पहले हमारा जो है एक बेसिक रिविजन देख लेते हैं। हमारा जो बेसिक टी रेशियो का फॉर्मूला था वो ये था कि अगर कोई राइट ट्राइंगल होगा तो उसमें थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे, थीटा के एडजेसेंट वाले को बेस और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहेंगे, जिससे हमारा ये 6 T रेशियोज मिले थे, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी एंड कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, जिसको याद करने के लिए हमने ये बेसिक फॉर्मूला देखा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले 1 2 3 4 5 6 ये इस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हमारा 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 का हमारा जो है पहला क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो हमारा जो है अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसका नाम एबीसी देना है और उसमें राइट एंगल बी पर बनाना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। इसमें जो हमने 90 डिग्री बनाया है उसको हमने बना दिया बी। अब हमारे पास ए बी सी में से बी हमें पता चल गया, ए और सी हम दोनों में से कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हैं, यानी यहाँ हम ए लिख देते हैं तो यहाँ सी, अगर आप यहाँ ए लिखते हैं तो यहाँ सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास दिया हुआ है ए बी, ए बी दिया है 24, तो ए बी हमारा 24 है, बी सी हमारा दिया हुआ है 7, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी हमारा ए बी दिया हुआ है 24 और बी सी दिया हुआ है 7 C। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम होप आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो क्या था वो था हमारा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल के केस में हमारा हाइपोटेनस क्या बना, एसी, तो हमने लिख दिया एसी स्क्वायर। वो इक्वल होगा किसके, तो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस इस केस में इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी कि हम किसी को भी ले सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर भी आप लिखोगे तो दिक्कत गलत नहीं होगा। तो इस तरह हमारा ए सी आ जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर इधर से गया स्क्वायर रूट बन गया, ए बी हमारा दिया हुआ है 24 और बी सी दिया हुआ है 7, तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो इस तरह हमारा एसी आ गया 25 cm। अब हमें क्या करना है, अब हमारा डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉमा है कॉस ए, इनटू नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या, 4 एंगल ए। एंगल ए के लिए हमारा ये एंगल ए हो गया, तो हमारा एंगल ये होगा तो थीटा ये बना। अब हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लिख लेंगे, जो कि मेरा हो गया BC 7, बेस, बेस हमारा क्या हो जाएगा, तो एंगल से सटा हुआ जो साइड होता है वो हमारा बेस बनेगा, तो ये हमारा हो गया AB जो हो गया 24। अब हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस जो कि हो गया AC 25 cm। तो इतना करने के बाद अब हम अपना पहला क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमारा नाउ हमने क्या देखा, साइन ए के जगह पर हमने क्या देखा था कि परपेंडिकुलर
बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहां पर है बीसी, हाइपोटेनस हमारा है एसी, तो हमारा हो गया बीसी बाय एसी, बीसी हो गया 7 और एसी हो गया 25। अब उसी तरह हम कॉस ए भी निकाल सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू, यहां नंबरिंग कर देंगे हम, कॉस ए बराबर हम जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा यहां पर क्या हो गया ए बी, हाइपोटेनस हमारा ए सी, तो बेस 24 25। अब अगर हम सेकंड बनाएंगे तो सेकंड को अगेन हम इसी तरह करके बनाएंगे, जब हमें सेकंड बनाना होगा तो हमको लिखना होगा अगेन नाउ 4 एंगल सी, एंगल सी के लिए हमारा इसी तरह लिखेंगे, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, अब एंगल सी को हम ले लेते हैं यहां पर जो हमारा हो गया कोई और एंगल फाई, तो सी के सामने हमारा हो गया ए बी जो कि हो गया 24, बेस एंगल से सटा हुआ जो साइड होता है वो बेस होता है जो हो गया बी सी 7 सी एम, हाइपोटेनस अगेन ए सी 25 सी एम, तो हमारा आ गया साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 24 बाय 25, कॉस सी बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा इस केस में हो गया 7 25। तो पहला का आंसर हमारा यहां हुआ और दूसरा का आंसर ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि एंगल के सामने वाला जो होता है वही हमें बनाना है परपेंडिकुलर, जब एंगल हमारा ये बना तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, जब एंगल हमारा ये बनेगा तो इसका परपेंडिकुलर ये बनेगा, इस कॉन्सेप्ट पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो फिगर 8.13 में फाइंड करना था टेन पी माइनस कॉट आर, इस फिगर में टेन पी और कॉट आर के बारे में फाइंड करना था, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, अगेन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमारा क्या आया, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन में हमारा हाइपोटेनस हो गया 13, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 12 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर हमें निकालना है, तो इस तरह बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 प्लस 12, 13 माइनस 12, कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बी हमारा आ गया 5 सी एम। अब बी हमारा ये आ गया 5 सी एम, ये 5 है ये 12 है ये 13 है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है टेन पी, तो टेन पी के लिए एंगल पी के लिए हमारा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो एंगल पी के लिए हमारा पी ये हुआ, तो सामने वाला हमारा हो गया परपेंडिकुलर 5 सी एम, बेस इससे सटा हुआ 12 सी एम और हाइपोटेनस 13 सी एम, सबसे बड़ा साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो इस तरह हमारा टेन पी निकल गया, टेन पी बराबर हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा 5 और बेस हो गया 12, एंगल आर के लिए हमारा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो एंगल आर का अगर हम बात करें तो ये एंगल हो गया आर,
इसके सामने जो हुआ वो हमारा परपेंडिकुलर 12, जो बेस हुआ हमारा वो 5 cm, और जो हाइपोटेनस हो गया वो 13 cm. कॉट आर हमारा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा है 5, आर हो गया पर पी हो गया हमारा 12. तो इस तरह नाउ टेन पी माइनस कॉट आर, तो टेन पी मेरा है 5/12 माइनस 5/12. नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. कह रहा है साइन ए दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए. गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसलिए 3/4 इज इक्वल टू पी बाई एच. ठीक है, इस स्टेटमेंट से हमें क्या मिला, P इज इक्वल टू 3K और H इज इक्वल टू 4K. ठीक है, P और H मिल गया. K यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, अगर आप 3 और 4 ले लेते हैं तो आंसर तो आ जाएगा बट आपका मार्क्स कट जाएगा. तो हमें क्या करना है, B निकालना है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हमारा 16K स्क्वायर, ये हो गया 9K स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, तो आ गया हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर. तो बी बराबर हमारा हो गया अंडर रूट 7K. तो अब हमारा कॉस ए निकालना है. कॉस ए इज इक्वल टू, अब चूंकि साइन ए दिया है और कॉस ए ही दिया है तो मेरा एक ही एंगल के लिए है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस एक ही होगा, तो कॉस ए बराबर बी बाई एच, तो बी हमारा हो गया रूट 7K, हाइपोटेनस हमारा था 4K, तो ये हमारा के कट गया स्क्वायर रूट 7/4. वही अगर टेन ए निकालें तो पी बाई बी, तो पी हमारा हो गया 3K रूट 7K, तो 3/√7. इसमें गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो इस तरह हमारा आ गया cot a इज इक्वल टू 8/15. तो अब उसी तरह हम cot बराबर b बाई पी, तो 8/15, तो b बराबर हमारा हो गया 8K, p बराबर हो गया 15K, तो हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम h निकाल लेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे हमारा आ गया h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारा हो गया 8 स्क्वायर 64K स्क्वायर 17K. अब हमें फाइंड करना है साइन ए. नाउ साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या था 15K, हाइपोटेनस हमारा अभी आया 17K, आंसर हो जाएगा 15/17. नेक्स्ट हमें निकालना था सेक ए. सेक ए बराबर एच बाई बी, तो एच हमारा हो गया 17K और बी हो हमारा हो गया 8K, तो ये आ गया 17/8. नेक्स्ट देखते हैं, गिवन C
sec थीटा 13 बाई 12, इसका मतलब हो गया sec थीटा बराबर हम लोग जानते हैं h बाई बी, तो h बाई बी हमारा 13 बाई 12, तो लेट कर लिए h बराबर 13 के, b इज इक्वल टू 12 के, बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पे रखेंगे अगर हम, तो हमारा 13 का स्क्वायर पी हमें निकालना है 12 के का स्क्वायर, अब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पी इज इक्वल टू 5 के। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13, तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नाउ हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है अदर देन साइन थीटा। तो हमारे टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 में से एक दिया हुआ है और एंगल दिया है थीटा, तो हमारा जो बाकी का 5 है उसे कैलकुलेट करना है। तो पहला हमारा हो गया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया 5, हाइपोटेनस हो गया हमारा 13। अब डायरेक्ट भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है, 5K 13K इज इक्वल टू 5/13 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कॉस थीटा बी बाई एच, तो हमारा बी है 12 और एच है 13। नेक्स्ट हमारा टेन थीटा, टेन थीटा हमारा होता है पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर हमारा 5 और बेस हमारा 12। कॉट थीटा हमारा बी बाई पी, तो 12/5। सेक थीटा हमारा है ही, अब नेक्स्ट हमारा है कॉसेक थीटा एच बाई पी, तो हमारा आ गया हाइपोटेनस 13 और परपेंडिकुलर 5। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इसको बनाने का दो तरीका हो सकता है, या तो हम एंगल ए और एंगल बी को अलग अलग ट्राइंगल लें फिर सिमिलर दिखाएं, बट हम यहां पर एक आसान सा तरीका देखेंगे जिसमें हम एंगल ए और एंगल बी को एक ही ट्राइंगल में लेंगे। लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट है, तो सी हमारा क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है वो राइट ट्राइंगल में ही पढ़ना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी जो है वो मेरा 90 डिग्री है, तो हमारा एंगल सी 90 डिग्री हो गया, ए और बी एक्यूट एंगल्स हो गए। अब क्या दिया हुआ है, कॉस ए गिवन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए और कॉस बी अगर हमारा दिया हुआ है तो हम पहले देख लेंगे 4 एंगल ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा कॉस ए के लिए बन गया BC, बेस हमारा बन गया AC और हाइपोटेनस हो गया AB। 4 एंगल B, एंगल B के लिए अगर हम देखें, अगर एंगल B का बात होगा तो एंगल B के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया AC, बेस हो गया हमारा BC और हाइपोटेनस तो सेम AB। नाउ कॉस ए जो है वो बराबर है कॉस बी के, तो कॉस ए हमारा जो होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस ए के लिए बेस हमारा ए सी है, हाइपोटेनस हमारा ए बी है, तो हम लिख सकते ए सी बाई ए बी। कॉस बी के लिए हमारा बेस बी सी है और हाइपोटेनस ए बी है,
तो ए बी मेरा डिवाइड हो गया, तो हमारा क्या आया इससे, ए सी इज इक्वल टू बी सी, हमारा ए सी और बी सी दोनों बराबर हो गया। तो किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये क्लास नाइन्थ का थ्योरम था। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए सी के अपोजिट एंगल बी और बी सी के अपोजिट एंगल ए हमारा इक्वल हो गया। लिखेंगे क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इससे हमारा ये साबित हो गया जो क्वेश्चन में प्रूफ करना था, एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन जो है उसमें कॉट थीटा दे दिया, गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और फाइंड करना है ये वैल्यू और कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा दिया है तो कॉट स्क्वायर थीटा तो मिल जाएगा, हमारा ये निकालने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा देखते हैं इससे। तो हमारे पास जो है बेस है और परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा हो गया 7 और परपेंडिकुलर 8, तो बेस हमारा हो गया 7k, परपेंडिकुलर हो गया 8k बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू आ गया हमारा स्क्वायर रूट 113k। अब इससे हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू मिल गया। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, पी हमारा है 8 और एच हमारा आ गया अंडर रूट 113। कॉस थीटा आ गया बी बाई एच, तो बी आ गया हमारा 7 अंडर रूट 13। नाउ हम अपना वैल्यू देखते हैं, पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप यहां से डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो और थोड़ा सा स्टेप सॉल्व भी कर सकते हो, तो हम थोड़ा सा स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे के जो है फॉर्मूले उसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व और कर सकते हैं, बट लेट इट हम यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस, अब हमारा साइन स्क्वायर थीटा है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 8/113 स्क्वायर, 1 माइनस 7, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113, 113 माइनस 64 113, 113 माइनस 49 113 हमारा आ गया 49/64। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है 7/8, तो आ गया हमारा 49/64। तो ये सिंपल तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो हमारा cot A हो जाएगा 4/3। तो
बेस बाय परपेंडिकुलर 4/3, तो लेट कर लेंगे, बेस इज इक्वल टू 4k, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k, तो हमारा हाइपोटेनस आ जाएगा 5k बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब सॉल्व कर लेना, ठीक है। हमें चेक करना है, चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस और नॉट। तो हमें चेक करना जब भी होगा, तो हम दोनों पार्ट को एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, हम LHS पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। 1 - tan² a, 1 + tan² a, ठीक है। तो tan थीटा या tan a इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है हमारा 4, तो हमारा आ गया 1 - 3/4² 1 - 3/4² आ गया हमारा 1 - 9/16 1 + 9/16 16 - 9/16 16 + 9/16 तो हमारा आ गया 7/25। अब हम लोग राइट पार्ट को सॉल्व करते हैं। RHS हमारा है cos² a - sin² a, तो cos² a - sin² a, तो cos स्क्वायर बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा है 4, हाइपोटेनस है 5, तो 4/5² साइन हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 5, तो 3/5² तो हमारा आया 16/25 - 9/25। सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 7/25। LHS इज इक्वल टू RHS, हमारा दोनों ही वैल्यू बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट 1 - tan² a 1 + tan² a इज इक्वल टू cos² a - sin² a। हमको ये प्रूव नहीं करना था, इसलिए हेंस प्रूव नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो ये बात ध्यान रखना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी। तो हमारा सॉल्यूशन गिवन टेन ए इज इक्वल टू 1/√3। तो टेन ए बराबर हम लोग जानते हैं P/B 1/√3। अब हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम होगा एबीसी, उसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्री हो गया। एंगल ए लेना है तो हम इसे एंगल ए ले लेते हैं, तो ये मेरा हो गया एंगल, इसके सामने हो गया परपेंडिकुलर। तो हमारा लेट करेंगे पी इज इक्वल टू 1k, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा √3k। तो P हमारा हो गया ये 1k और इस पॉइंट का नाम हो गया C, B हमारा हो गया √3k, ये हो गया हमारा √3k। अब हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b², तो हमारा यहां हाइपोटेनस हो गया AC, तो AC हमारा हो गया परपेंडिकुलर 1k² + √3k² तो आ जाएगा हमारा 4k², तो AC आ गया हमारा 2k। तो हम लोग का एंगल A जो है
फोर एंगल ए अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया 1 के, बी हो गया हमारा √3 के और एच हो गया 2 के। वहीं अगर बात करें हम 4 एंगल सी, तो परपेंडिकुलर, अब सी का जब बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा √3 के, बेस हो जाएगा हमारा 1 के और हाइपोटेनस तो हर केस में वही रहना है। पहला हमारा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इस केस में हो गया 1 के, हाइपोटेनस हमारा हो गया 2 के। साइन के बाद अब आ गया कॉस सी, कॉस सी के लिए हम ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो कॉस सी हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो 1 के बाय 2 के। अब हम कॉस ए का बात करेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस √3 के बाय 2 के। साइन सी का बात करेंगे तो ये आ जाएगा ऑर्डर पी बाई एच, तो √3 के बाई 2 के। तो के मेरा सब जगह डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आ गया 1/4 + 3/4। तो 1/1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, √3 × √3 = 3, 2 × 2 = 4, तो आ गया हमारा 4/4, दैट इज 1। दिस इज आंसर। नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। दोनों ही फॉर्मूला हायर क्लास का है तो आपको फिर पढ़ने को मिलेगा। तो कॉस ए बी बाई एच, तो ए वाले से हम बी और एच उठाएंगे, तो आएगा हमारा √3 के बाई 2 के। कॉस सी इससे बी बाई एच 1 के बाई 2 के माइनस साइन ए, तो इससे उठाएंगे पी बाई एच। साइन सी पी बाई एच, तो हमारा अगेन के हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो आ गया √3 √3 × 1 √3, 2 × 2 = 4 माइनस √3/4, जो हो गया 0। अब यहां दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें हमारा क्यू पर 90 डिग्री है, तो हम लोग पी क्यू आर बना लेते हैं एक ट्राइंगल। क्यू पर 90 डिग्री हो गया, दिया हुआ है हमारा पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी क्यू 5 है, पी क्यू हमारा जो है वो 5 दिया हुआ है। अब पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ है, गिवेन पी क्यू इज इक्वल टू 5 cm, पी आर प्लस क्यू आर ये दिया है 25 cm। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, हमें ना ये पता है ना ये पता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं h² = p² + b², तो हमारा इसमें हो गया pr² = pq² + qr². तो हम लोग pq को एक जगह लिखते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा pr² - qr², तो pq का वैल्यू दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब pr प्लस qr, तो इसको a² - b² पे तोड़ेंगे तो आएगा हमारा pr + qr pr - qr। तो ये हो गया हमारा 25, इसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 25 pr qr। तो हमारा ये
डिवाइड हो गया तो यहाँ बचा 1, तो हमारा आया पी आर माइनस क्यू आर हो गया 1 cm, इक्वेशन 2। अब यहाँ से हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट चलेगा, एलिमिनेशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारा क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 cm, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। तो ऑन एडिंग ऐड कर दिए, तो ऐड करेंगे तो ये मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 PR इज इक्वल टू 26, तो PR इज इक्वल टू 13, तो ये मेरा हो गया 13। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट QR इज इक्वल टू 25 माइनस 13 आ गया 12 cm। अब हमें क्या पता करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो फोर एंगल पी, पी के लिए हम लिखते हैं, तो पी मेरा यहां पर है तो इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर 12, बेस 5, हाइपोटेनस 13। तो साइन पी हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस 13। कॉस पी बेस बाय हाइपोटेनस, बेस मेरा 5, हाइपोटेनस 13। टेन पी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 12 और बेस 5, ये हो गया मेरा आंसर। आप अपने आंसर को इस तरह बॉक्स में करने का आदत डाल लीजिए, बेहतर होता है कि हमारा जो कॉपी चेक होता है तो उसमें हाइलाइटेड रहता है कि हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं एक वर्कशीट दूंगा, तो आप जो है उसे बनाइएगा, कोई डाउट होगा तो आप उसे पूछिएगा। हमारा क्या पूछ रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स। तो पहला हम लोग देखते हैं, द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। अब इसके लिए हमें एंगल वैल्यू जानना होगा कि हमारा क्या होता है। तो हमारा जो साइन थीटा होता है वो 1 से हमेशा छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है, यानी कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। उसी तरह अगर हम कॉस थीटा का देखें तो कॉस थीटा का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। वही बात अगर हम टेन थीटा का करते हैं तो ये -∞ से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो टेन थीटा के वैल्यू हो सकते हैं, यानी कि हमारा जो वैल्यू है टेन थीटा का वो 1 से बड़ा हो सकता है, तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो कोई खास एंगल ए के लिए 12/5 ये वैल्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 10 के बाद हमारा कॉट का भी जो वैल्यू है वो -∞ से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है। जो सेक थीटा का वैल्यू होता है वो हमारा -1 से छोटा होता है और -∞ से बड़ा होता है। वहीं अगर पॉजिटिव में बात करें तो जो सेक थीटा का वैल्यू होता है वो हमारा 1 से बड़ा होता है या बराबर होता है और इन्फिनिटी से छोटा होता है। सेम हमारा कॉसेक थीटा के साथ है, ये हमारा -∞ से बड़ा और -1 से छोटा, 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, दैट इज दोनों ही वैल्यू हमारा -1 से 1 के बीच में नहीं होता। -1 से 1 के बीच का जो भी डेटा है वो हमारा sec थीटा और cosec थीटा के लिए नहीं होता। तो हमारा यहां पर जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2.4। तो हमारा 2.4 देख सकते हो कि 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये हमारा ट्रू हो गया।
और हम कैसे समझ सकते हैं कि सेक थीटा जो है वो हमारा होता है एच बाई बी। तो क्या हम एक ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं जिसका हाइपोटेनस 12 हो और बेस 5 हो? तो हाँ, बनाया जा सकता है। तो उस हिसाब से भी हमारा ये हो गया ट्रू। कॉसेक ए इज द एब्रिविएशन कॉसेकेंट। तो हमारा, अगर आप पहला क्लास आपने देखा होगा तो उसमें आपने पाया होगा कि कॉसेकेंट हमारा क्या है, कॉसेक। तो कॉसेकेंट जो है कॉसेक का एब्रिविएशन है। कॉस का एब्रिविएशन क्या है, कोसाइन। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो हमने पहले ही देखा है कि ये दोनों के बीच एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, प्रोडक्ट का साइन नहीं होता। तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो आएगा मेरा 1.33। तो आप देख सकते हैं पहला जो हमारा है साइन थीटा वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इसके किसी भी थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू आए? तो नहीं। तो ये हमारा हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही।